अगली खबर सागर से आ रही है, जहां मकरोनिया में हुए जग्गू हत्याकांड मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस की जांच कमेटी ने संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला और आईजी अनुराग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हत्याकांड मामले से जुड़े कई बिंदुओं पर अधिकारियों से चर्चा की। कांग्रेस की जांच कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जगदीश यादव की हत्या के आरोपियों का संबंध सत्ताधारी दल भाजपा से होने और आरोपियों को नेताओं का खुला संरक्षण होने के कारण पुलिस अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, हत्या की वारदात के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक परिवार को उक्त आर्थिक सहायता राशि नहीं दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अमला सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की बजाय मामले को रफा दफा करने का मौका दिया जा रहा है। मामले में कांग्रेसियों ने हत्या के मामले में फरार आरोपियों की भाजपा नेताओं से हो रही बातचीत की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आर्थिक सहायता जल्द मुहैया कराने की भी मांग की है। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। इस दौरान कांग्रेस की जांच कमेटी के सदस्य बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सुहाने, जिला कांग्रेस के महामंत्री राम कुमार पचौरी, ननी नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव, सुनील जैन और मृतक जगदीश के परिवार वाले विश्वबाई यादव, कमलाबाई, रेखा यादव, रूपोबाई, उषा यादव, मीना यादव आदि लोग मौजूद थे। जग्गू हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें से अब तक पुलिस ने आरोपी वकील चंद गुप्ता, लवी, लकी, हनी, आशीष मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भाजपा से निष्कासित आरोपी मिश्री चंद गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने शहर में आरोपियों के पोस्टर भी चस्पा करवाए हैं। सूचना देने और गिरफ्तार कराने वाले को 1,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। चुनावी रंजिश के चलते गुरुवार रात हुए विवाद में आरोपी लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, भाजपा नेता मिश्री चंद गुप्ता, वकील गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और आशीष मालवीय ने मकरोनिया चौराहे के पास स्थित डेयरी पर पहुंचकर मारपीट की थी। विवाद बढ़ा और आरोपियों ने कार से जगदीश यादव निवासी कोरेगांव को कुचल दिया, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों के होटल का अतिक्रमण भी तोड़ा गया है। आईजी साहब से मुलाकात की है, कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, पुलिस से संबंधित मामलों में उनसे बात की है कि पुलिस का जिस तरीके से ढीला रवैया है, निष्क्रिय रवैया है, उसके कारण आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो साक्ष्य नष्ट कर रहे हैं, उतारू हो गए हैं, मामले को घुमाने को इधर से उधर घुमाने को उतारू हो गए हैं, और उनके मुख्य गवाहों को मामले दर्ज कराने को उतारू हो गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ राजस्व अधिकारियों की जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसको लेकर भी हमने संभाग आयुक्त महोदय से बात की है।